अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बायोलॉजी का सिलेबस एमडी कैट का शेयर किया था ताकि आप लोग अपनी तैयारी को आसानी से कर सकें और उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। 50% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है और हमने कौन सी चीज़ प्रिपेयर करके जानी है अपने टेस्ट के लिए और कौन सी नहीं करनी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स की जो है, फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स की सिलेबस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह अगर किसी को पेपर पैटर्न भी जानना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी शेयर करूंगी। पैटर्न तो एमडी कैट के टेस्ट का ऑब्वियसली सबको पता ही होता है, मगर फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। मगर अभी मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का सिलेबस जो है वो शेयर करूंगी कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके, और चैप्टर्स तो सब स्टूडेंट्स को पता ही है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो और जानते हैं कि सिलेबस में आपके फिजिक्स का सिलेबस जो है वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स जो है वो जो वेटेज रखता है वो 27% रखता है। आपका फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो 27% वेटेज रखता है आपके एमडी कैट के टेस्ट के अंदर। बायोलॉजी का जो है मैंने आपको बताया था 34 रखता है, फिजिक्स का 27 रखता है, मतलब 54 मार्क्स के आप लोगों से एमसीक्यूज फिजिक्स में पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में 68, फिजिक्स में 54 मार्क्स के एमसीक्यूज, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी आएंगे उतने ही होंगे। तो आपको बताती हूँ कि आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंटेंट क्या है, लिस्ट कौन सी है आपके फिजिक्स के चैप्टर्स की। आप लोग स्क्रीन पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिस्ट आप लोगों के सामने आ गई है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में इंक्लूड हैं आप लोगों के एमडी कैट के टेस्ट में, जो इनमें से पूछा जाएगा आप लोगों से। पहला है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का आप लोगों का, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो कि है फोर्स एंड मोशन, उसमें आपके सब टॉपिक्स कौन से हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, और उसमें आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन से जो आपने प्रिपेयर करने हैं। बाकी आप लोगों के चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स वगैरह होंगे आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। चलें जी बताऊँ आपको, जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सब टॉपिक्स में है, नंबर 1 पे डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लॉ है। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर कोलिजन का एक आपका टॉपिक होगा जो आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन, फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अंडर डिफरेंट केसेस, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या होता है, ये टॉपिक जो है आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आप लोगों के तमाम तर सब टॉपिक्स हैं। नीचे आप लोग देखें तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जैसे कि डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्राइब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके आपने टू डायमेंशनल मोशन बताने हैं इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट द आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। उसके बाद है एक्सप्लेन हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, इफ अ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट तो उसमें हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट क्या है ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नीचे देखें तो सो ऑन आप लोगों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के नजर आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों ने कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो अप करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टरिस्टिक है, उसके बाद एवेल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद न्यूटन लॉ है, और फर्दर सो ऑन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं इतने सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जरूर दिखा सकती हूँ, आप लोग अभी स्क्रीन शॉट ले लें।
तो इसी तरह ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, इसी तरह चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के सबके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं, सबके सब टॉपिक्स मौजूद हैं जो कि आप लोगों के एमडी कैट के टेस्ट के अंदर आएंगे, आप लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी फिजिक्स के सिलेबस का, ताकि आप लोग उस लिंक को क्लिक करें और आप लोग अपने सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 13 के 13 चैप्टर्स के जो है वो रीड कर लें। वीडियो टाइम लिमिट शॉर्ट होने की वजह से मैं सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मगर मैं जितना हो सकता है आपके साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मजीद हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। मुझे तो इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से एमडी कैट की टेस्ट की तैयारी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।